हेलो एवरीवन। तो कल अपन सिंक्रो साइक्लोट्रॉन कर रहे थे, ध्यान रखना सिंक्रोट्रॉन नहीं है, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में क्या दिक्कत आ गई थी, इसकी वजह से अपन ने सिंक्रो साइक्लोट्रॉन लिया, उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसमें अपन ने क्या निकाला, पहले सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या किया, सबसे पहले इसमें अपन ने देखा फेज स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो सबको समझ में आई गया। ठीक है, फिर सेकंड अपन ने उसकी बनावट और कार्य प्रणाली देखी, उसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। ठीक है, वर्किंग में अपन ने मैथमेटिकल टर्म किया था, इसकी रेडियस अपने पास आई थी आर बराबर एम वी अपॉन क्यू भी होता है साइक्लोट्रॉन के अकॉर्डिंग। यहां पर अपन ने एम वी क्या होता है, संवेग, पी पी अपॉन क्यू बी, ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई किया था। एक रिलेशन था जो हमें याद भी करना था, ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्वांटम में पढ़ेंगे अब भी याद नहीं करो तो, एम स्क्वायर एम नोट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ गया, ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर। पी सी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ठीक है, तो रेडियस आई थी अपने पास, ये सारी सिंक्रो साइक्लोट्रॉन की कर रहे हैं जो लास्ट में कैलकुलेशन आई थी। ठीक है, किसी को समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लो ये। तो इसमें पी सी की जगह रखा था ई स्क्वायर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर अपॉन क्यू बी सी। ठीक है, फिर उसकी जगह अपने पास लास्ट रिलेशन ये आ गया था के के प्लस एम नोट टू एम नोट सी स्क्वायर। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम ये समझ में नहीं आया डायरेक्ट कैसे किया। ठीक है, तो मैं ये बताती हूँ ये कैसे किया। ई की जगह क्या लिया अपन ने, काइनेटिक एनर्जी प्लस एम नोट सी स्क्वायर जो पहले भी लिया था, ई की जगह ये वैल्यू रखते हैं इस इक्वेशन में, तो आर बराबर के प्लस एम नोट सी स्क्वायर का स्क्वायर ई स्क्वायर है ना, माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर इसका पूरे का अंडर रूट अपॉन क्यू बी सी। ठीक है, तो आर बराबर क्या आया, यहाँ से इसको खोलो के स्क्वायर, सबको खोलना तो सबको आता ही है, टू एम टू के एम नोट सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर माइनस एम नोट स्क्वायर सी फोर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी से खोला है टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल अपॉन में क्यू बी सी भी था। ये दो टर्म बची, इसमें से के कॉमन ले लेते अपन, तो के कॉमन लेंगे अंडर रूट में, तो ये के कॉमन लेंगे तो के प्लस टू एम नोट सी स्क्वायर अपॉन क्यू बी सी आर, ये यही तो है। ठीक है, इस प्रकार ये लिया है, ई की जगह ये रखा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत आ रही थी तो यहाँ अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसकी रेडियस ये आई थी, तो अपना सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है वो कंप्लीट हो गया। इसमें भी क्या दिक्कत आ रही है, इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल ही एक्सेलरेट हो रहे हैं। अगर इनकी कंपैरिजन करें तो उसमें 2D का यूज कर रहे थे अपन, और साइक्लोट्रॉन में तो 2D यूज कर रहे थे, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में क्या 1D यूज किया। ठीक है, उसमें जो ये सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, इसमें बहुत लो जो वोल्टेज है उसकी नीड होती है अपन को, उसमें तो अपन वोल्टेज थोड़ी हाई लेते, इसमें तो लो, बिल्कुल लो वोल्टेज की नीड होती है। मैग्नेटिक फील्ड को वो कांस्टेंट रखते हैं इसमें। ठीक है, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं ये इसमें। और इसकी कमी क्या रह गई थी, इसके डिसएडवांटेज देखे तो एक समय में ये बहुत कम पार्टिकल को ही एक्सेलरेट कर सकता था सिंक्रो साइक्लोट्रॉन है एक टाइम में। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन तो इससे भी एक्सेलरेट नहीं हुआ, और अपन को बहुत ज़्यादा नीड होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने की। साइक्लोट्रॉन भी नहीं कर पाया, सिंक्रो साइक्लोट्रॉन भी नहीं कर पाया, बाकी उनकी उसकी कंपेरिजन में थोड़ा ठीक सुधार हुआ। अब आगे नेक्स्ट करेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक सबको समझ आ ही गया होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन बीटाट्रॉन। नेक्स्ट अपना बीटा ट्रॉन, इसमें क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, सब चीज देखेंगे इसमें।
ठीक है, बीटाट्रॉन। सबसे पहले तो ये देखते हैं बीटाट्रॉन यूज क्यों लिया गया और इसमें क्या होता है, उनकी कंपैरिजन में क्या सुधार हुआ, क्या लिया गया। ठीक है, जो वो एसिलेटर्स दो कर चुके अपन, साइक्लोट्रॉन एंड सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, उसमें उसके मतलब उसकी तुलना में इसमें क्या सुधार किया गया, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। साइक्लोट्रॉन में क्या था कि वो अपने एक सीमा तक ही इलेक्ट्रॉन को एसिलेट कर पाता था, उसकी सीमा लिमिट होती थी। ठीक है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं कर पाता था। लेकिन बीटाट्रॉन में क्या होता है, बीटाट्रॉन में इलेक्ट्रॉन को जो एसिलेट करने की जो प्रणाली है, इलेक्ट्रॉन को एसिलेट जो करने की प्रणाली, वो बीटाट्रॉन जिससे एसिलेटर के माध्यम से किया जाता है उसे कहते हैं बीटाट्रॉन। इसलिए इसका दूसरा नेम हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स, कि इलेक्ट्रॉन को एसिलेटर्स किया जाता है बीटाट्रॉन के द्वारा, इलेक्ट्रॉन ठीक है, इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स। ये क्यों पड़ा, क्योंकि बीटाट्रॉन के लिए, बीटाट्रॉन के माध्यम से अपन इलेक्ट्रॉन को एसिलेट कर सकते हैं। उनमें तो बहुत एसिलेट कर रहे थे लेकिन इसकी साइक्लोट्रॉन में उसकी काइनेटिक एनर्जी में इतनी वृद्धि नहीं हो पा रही थी, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं था, इस वजह से बीटाट्रॉन का यूज किया गया। तो इसका सेकेंड नेम इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स बोल सकते, क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एसिलेटर्स भी बोल सकते हैं या बीटाट्रॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देखते हैं, क्या है प्रिंसिपल, क्या है इसका मेन, या फिर बोले तो थ्योरी, सिद्धांत। ठीक है, यह फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। किस पर, फैराडे के, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस पर बेस्ड है, फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ये फैराडे का ये रूल क्या होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो बंद जो परिपथ होता है, जो क्लोज सर्किट होता है, उसमें चुंबक के फ्लक्स, मैग्नेटिक जो फ्लक्स का मान है, मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, ये है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे कैसे ये बराबर होती है, इसका यूज करेंगे, मतलब थ्योरी तो यही है इसकी, प्रिंसिपल यही बोलता है, जो इसका फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग जो क्लोज सर्किट होता है उसमें चुंबक के जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स का परिवर्तन की दर डीफाई अपॉन डीटी उसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी पार्टिकल है, यदि बंद पथ के अकॉर्डिंग गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, गतिशील का इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और जो इलेक्ट्रिक, जो इसकी बल रेखाएं होती है, वो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, वो वृत्ताकार होती है, ठीक है, सर्कुलर होती है, और इलेक्ट्रॉन है विद्युत बल को भी एसिलरेट करता है, विद्युत वाहक बल को भी एसिलरेट कर रहा है, मतलब उल्टा बोल दिया, जो विद्युत वाहक बल है, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट कर रहा है। ठीक है, तो कल इसकी वर्किंग देखेंगे, कैसे वर्किंग करता है, डायग्राम के द्वारा समझेंगे और उसके मैथमेटिकल टर्म देखेंगे। ठीक है, ये रूल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये फैराडे का लॉ, ये भी देखेंगे इसकी मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, तो कल देखते हैं।